श्रीमद् भगवत गीता न केवल धर्म का ज्ञान कराती है बल्कि जीवन जीने का ढंग भी बताती है। महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद मानव जाति के लिए अत्यंत ही प्रेरणादायी है। गीता के उपदेशों का अनुसरण करके हम न केवल खुद बल्कि समाज का भी भला कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने डटी थी तो उस समय अर्जुन दुश्मन सेना में अपने बंधु बांधवों को देखकर अवसाद ग्रस्त हो जाते। तब अर्जुन के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं कि हे पार्थ, तुम दुख का त्याग कर युद्ध करो। वर्तमान में भी जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानव को गीता में बताए सूत्रों को भी अपनाना चाहिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे गीता के वो सूत्र जिनको अपनाने से व्यक्ति उन्नति की पथ की ओर अग्रसर होता है। तो पहला सूत्र है सोच में परिवर्तन। जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान और कर्म को सम देखता है उसी की सोच सही है। सही नजरिए रखने वाले व्यक्ति इच्छित फल की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान और कर्म में हमेशा समभाव बनाए रखना चाहिए। दूसरा सूत्र है मन पर नियंत्रण जरूरी। मन बहुत चंचल होता है, वह यहां से वहां हर पल भटकता रहता है। अशांत मन के योग और ध्यान से नियमित अभ्यास कर वश में किया जा सकता है। तीसरा सूत्र है क्रोध पर काबू। गीता में लिखा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है, और जब बुद्धि का विचलन हो जाता है तो तर्क करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। और जब मनुष्य में तर्क करने की क्षमता नहीं रह जाती तो वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसीलिए को क्रोध से हमेशा बचना चाहिए। चौथा सूत्र है मन पर अंकुश जरूरी। मन बहुत चंचल होता है, इस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जो मनुष्य मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते ऐसे लोगों का मन उसके दुश्मन की तरह कार्य करता है और वह धीरे धीरे मनुष्य गलत राह की ओर अग्रसर हो जाते हैं। पांचवा सूत्र है आत्मचिंतन है आवश्यक। मनुष्य को हर दिन आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे व्यक्ति के अंदर छुपे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकता है। छठा सूत्र है कर्म का परिणाम। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य जो कर्म करता है उसे उसी के अनुरूप परिणाम की प्राप्ति होती है। इसीलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म को महत्व देना चाहिए। सातवां सूत्र है विश्वास से सफलता। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, बस जरूरत होती है तो इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए लगन के साथ कार्य करने की। ऐसा करके व्यक्ति को सफलता अवश्य ही मिलती है। आठवां सूत्र है ऐसे पाएं तनाव से मुक्ति। प्रकृति के विपरीत कार्य करके मनुष्य तनाव से ग्रसित हो जाता है और यही तनाव मनुष्य के
विनाश का कारण बन जाता है। इसीलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म के मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। नौवां सूत्र है सोच से आचरण का निर्माण। मनुष्य जिस तरह सोचता है उसी तरह का वो आचरण भी करता है। स्वयं के अंदर विश्वास को जागृत कर सोच में बदलाव लाया जा सकता है, जो उसके जीवन के लिए बेहतर ही होता है। दसवां सूत्र है ईमानदारी से काम करना। बुद्धिमान व्यक्ति कर्म को प्रधान रखता है, वह उसके फल के बारे में कभी भी नहीं सोचता। किसी काम को करने का यही उत्तम और उचित साधन है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।